बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए कि खड़ा मसाला कीमा की रेसिपी लाई हूँ, जो आपको बहुत पसंद आएगी। आप वीडियो को एंड तक देखना, स्किप ना करना। तो चलें चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। 1 kg कीमा लिया है मैंने, कुछ खड़े मसाले हैं जो मैं साथ साथ डालते वक्त आपको बताऊँगी। तो 2 कप मैंने ऑयल डाला है, ये देखिए 2 कप ऑयल डाल दिया है मैंने। 1 tablespoon ज़ीरा डाला है मैंने, इसको हल्का सा घी में फ्राई कर लेंगे। 1 तेज़पत्ता डाला है मैंने, 2 बड़ी इलायचियाँ, 3 से 4 लौंग के टुकड़े हैं और दालचीनी के टुकड़े 3 से 4 अदद, बाकी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अब इसमें मैं कीमा ऐड कर दूंगी, इसको हमने फ्राई करना है। आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो अपने प्यारों में शेयर किया करें, फ्रेंड्स में शेयर किया करें और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अब ये 1 tablespoon भरकर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। अब हम इसकी भुनाई करेंगे। और व्यूवर्स, मैंने इसमें सुरख मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया, अगर आप अपने एज अ टेस्ट सुरख मिर्च का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैंने काली मिर्च यूज़ की है। तो 2 बड़े टमाटर जो मैंने रफली काट लिए हैं, ये मैंने कीमे में ऐड कर दिए हैं। अब हम इसे मिक्स करेंगे। 1 tablespoon मैंने नमक डाला है, आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। 1 tablespoon हल्दी, 1 tablespoon मैंने चिली फ्लेक्स के डाले हैं। हम साथ साथ इसकी भुनाई भी करते जाएंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमारा ऑयल निकल आया है। तो अब हम इसे इस पॉइंट पर थोड़ा सा पानी डालकर हम दम दे देंगे ताकि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। 4 से 5 मिनट तक हमने दम दिया है। तो अब ये देखें, हमारी भुनाई भी साथ साथ हो गई है और टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं हमारे। 1 tablespoon ग्रीन चिलीज़ जो मैंने बारीक बारीक चॉप की हुई थी, 2 बड़े प्याज जो मैंने बारीक बारीक काटे हुए थे वो डाल दिए हैं मैंने। आप अगर थोड़ा सा मोटा भी प्याज काटेंगे ना तो वो भी चलेगा, क्योंकि ये हम खड़े मसाले का कीमा बना रहे हैं। तो अब हमने इसे अच्छी तरह मिक्स किया है। 1 tablespoon मैंने और ग्रीन चिली डाल दी है, अदरक काटा हुआ था जो मैंने बारीक बारीक वो भी डाल दिया मैंने। यानी जो हमारे खड़े मसाले हैं ना, धनिया है, ब्लैक पेपर, जो 1 tablespoon, ये अब हमने एंड पर डालनी है क्योंकि हमने सुरख मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया। तो 1 tablespoon मैंने काली मिर्च के डाल दिया। अब हमने इसे 2 मिनट का दम दे देना है। यहाँ आप कोयले का भी दम दे सकते हैं तो उसका टेस्ट भी अच्छा आता है। तो अब हमने इसे अच्छी तरह मिक्स कर देना है। तो अब ये हमारा ख़तरनाक कीमा रेसिपी जो है, खड़े मसाले का कीमा रेसिपी रेडी है। अब आप एंजॉय करें, खाएं मज़े से और मेहमानों के आगे पेश करें। तो व्यूवर्स, आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सब्ज़ धनिया की गार्निश करेंगे। अब हमारी ये रेसिपी रेडी है, अब हम इसे डिश आउट करते हैं। आप हमें दुआओं में याद रखिएगा, आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।